हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए राजकर। आज का हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। देखिए, लेट्स सपोज आपके गुडाउन में, फैक्ट्री में फायर अकर हो गया है। फायर अकर होने से क्या होगा, कुछ पार्शल या टोटल स्टॉपेज हो बिजनेस एक्टिविटी, जो आपका बिजनेस है वो प्रॉपरली आप काम नहीं कर पाओगे, आपकी सेल कम हो जाएगी, और सेल कम होगी तो आपका प्रॉफिट भी कम हो गया जी। ठीक, या फिर हम कहें बिजनेस की एक्टिविटी है जो वो ढंग से नहीं हो रही है, तो आपको कुछ स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं, फिक्स्ड है, वो तो पेमेंट करनी करनी है, उससे भी नुकसान हो रहा है। और ऐसे ही फायर करोगी, आप क्या करोगे, आप अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाओगे, कुछ खर्चा करना पड़ता है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो उससे भी आपको नुकसान हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन लॉस को कवर करने के लिए हम क्या लेते हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। तो इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ बेसिक समझने पड़ेंगे हमें, जैसे कि स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं, स्टैंडिंग मतलब फिक्स खर्चे जो हैं, एक्सपेंस विच डू नॉट रिड्यूस प्रोपोर्शनली विद रिडक्शन सेल। अब फायर अकर हुई है, कुछ नुकसान हुआ है, आपकी सेल ढंग से नहीं हो रही, लेकिन आपके कुछ खर्चे हैं वैसे वो होते रहेंगे। ठीक है, अब इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड। इंश्योर्ड तो वो हो गए जो कि पॉलिसी में स्पेसिफाई किए हुए हैं, जब हम पॉलिसी ले रहे हैं ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, तो उसमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये खर्चे होने ही होने हैं और कवर होंगे पॉलिसी में। अनइंश्योर्ड कौन से हो गए, अनइंश्योर्ड आपकी पॉलिसी में कवर नहीं होंगे जी। तो इसके लिए और समझना जरूरी है, एक इंडेमनिटी पीरियड कंसेप्ट है। ये क्या होता है, मैक्सिमम पीरियड स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी फॉर विच लॉस ऑफ प्रॉफिट इज कवर्ड, इट इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ पॉलिसी। देखिए कि आपका जब भी फायर अकर होती है, तो कुछ टाइम पीरियड, कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें आप प्रॉपरली काम नहीं कर पाते, उस पीरियड को हम इंडेमनिटी पीरियड बोलेंगे। ठीक है, तो ये डिसाइड करना होता है जब भी हम पॉलिसी लेते हैं कि 5 मंथ्स होगा, 6 मंथ्स होगा, जितना भी होगा, ये स्टार्टिंग में पॉलिसी में मैंशन किया जाता है। और एक होता है डिसलोकेशन पीरियड। ये क्या है, ये एक्चुअल पीरियड होता है कि पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम द फायर अकर टू द पीरियड इन विच नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट, मतलब जब फायर अकर होगी वहाँ से लेके एक्चुअल पीरियड, जब जहाँ तक आपका बिजनेस ऑपरेशन ढंग से काम नहीं करना स्टार्ट करता है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हमें सबसे पहले, कोई भी सम हो तो आपने ये दो लाइंस ड्रॉ करनी है ऐसे। ठीक है, ये फुल अकाउंटिंग ईयर की लाइन होगी। जैसे मैंने लिया है ये 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, और नेक्स्ट है 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020। इस ईयर में मैं कहता हूँ इस डेट को, 1 जुलाई 19 को फायर कर हुई है, और कब तक पीरियड आया, डिसलोकेशन पीरियड 1 अक्टूबर 19 तक। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने का टाइम है, इसमें फायर अक्कर होने की वजह से मेरा बिजनेस ढंग से काम नहीं कर पाया जी। ठीक है, सो पीरियड इफेक्टेड बाय फायर दिस वन। एक्चुअल, इस दौरान जो भी सेल होगी उसको मैं क्या नाम दूंगा, एक्चुअल सेल दे दूंगा। ठीक है, तो एक्चुअल सेल कितनी होगी, सेल ड्यूरिंग द पीरियड अफेक्टेड बाय फायर, 1 जुलाई टू 1 अक्टूबर 19 वाला। ठीक हो गया जी। अब इसी पीरियड, इस पीरियड को हमने देखना पिछले साल में, 1 जुलाई 18 से 1 अक्टूबर 18, इस पीरियड के दौरान जो सेल होगी उसको नाम मैं दूंगा स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड टर्नओवर। ये देखिए, स्टैंडर्ड सेल या टर्नओवर, सेल ड्यूरिंग 1 जुलाई 18 टू 1 अक्टूबर 18। ठीक हो गया जी, दो कंसेप्ट, ये एक्चुअल सेल होगी, ये वाले पीरियड की सेल स्टैंडर्ड सेल होगी। ठीक, अब 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19, ये पूरा साल जो अकाउंटिंग ईयर है प्रीवियस, उसकी सेल को हम प्रीवियस ईयर सेल बोलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोलना है, सेल ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19। और एक चीज और समझनी होती है, सेल ऑफ 12 मंथ्स प्रिसीडिंग द डेट ऑफ फायर, मतलब इस डेट से पिछले 12 महीने, पिछले 12 महीने कहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 जुलाई 18 से लेके 1 जुलाई 19 तक का टाइम, ये प्रोसीडिंग 12 मंथ सेल है। ठीक है जी, चलो, तो हमने क्या स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर पिछले साल की इसी टाइम के दौरान, जो ये आप देख रहे हैं ना, ये वाली, कि इसी, ये एक्चुअल टाइम पीरियड हो गया जिस दौरान डिसलोकेशन पीरियड है, इसी टाइम का हमने पिछले साल में देखना कि पिछले साल इस टाइम पे दौरान कितनी सेल हुई थी, वो लिख लिया जी यहाँ पे। ठीक, फिर मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि कोई ट्रेंड तो नहीं है, मतलब ये तो नहीं हो रहा हर साल मेरी सेल बढ़ रही हो, कम हो रही हो, ट्रेंड है तो है, अगर है तो वो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। ये हमारी आ गई एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। ठीक,
माइनस क्या करना है एक्चुअल सेल के इस टाइम पे दौरान सेल हुई कितनी है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेल। ठीक है जी, तो मैं दोबारा पढ़ाता हूँ इसी यहीं से। मैं कहूँगा इस दौरान सेल कितनी थी पिछले साल, अगर वो इंक्रीज होनी है तो ट्रेंड लगा दिया, माइनस क्या कर दिया एक्चुअल सेल है, वो मेरी कितनी आ गई शॉर्ट सेल आ गई। ठीक, नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालने हैं अपने, रेट ऑफ जीपी इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट पिछले साल का प्लस पिछले साल के इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइड बाय नेट सेल ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर इंटू 100 लगा देंगे तो आपके पास जीपी रेशियो आ गया। ठीक, अब ये फॉर्मूला कैसे बना वो समझिए। ये मैं क्या कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट ठीक प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब मुझे बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या लेस करते हैं हम कि नेट प्रॉफिट आ जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं, है ना। तो मुझे कौन सी लेनी है, जीपी रेशो लेनी है। तो वो कहते हैं कि जो जीपी है ना उसमें आप इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ठीक। तो कहते हैं सिर्फ अनइंश्योर्ड वाले लेस कर दो जी, मतलब नेट प्रॉफिट जो आया है उसमें इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एड बैक करो वो इतने पोर्शन का, क्योंकि इसकी तो इंश्योरेंस करवा रखी है ना मैंने, तो इसको नेट प्रॉफिट में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऐड बैक करके जो प्रॉफिट आया उसको मैं ग्रॉस प्रॉफिट के लिए यूज़ करूँगा। नीचे नेट सेल ऑफ प्रीवियस ईयर पिछले साल की, एक कौन सी प्रीवियस ईयर, मतलब पूरा अकाउंटिंग ईयर, पूरे 12 मंथ्स वाली सेल, फुल अकाउंटिंग ईयर वाली सेल यहाँ पे लेनी है। ठीक है, इंटू 100 कर दिया, ये आ गया जी। कई बार हमें जीपी में भी ट्रेंड होता है, ध्यान रखना अगर ये जीपी का ट्रेंड है तभी ऐड करना, अदरवाइज नहीं। ये आ गई जी। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब मैंने पहले क्या था, ये शॉर्ट सेल है, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं जीपी रेशो से, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इतना मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ जी। सभी को समझ आ गए पहले तीन स्टेप। चल नेक्स्ट स्टेप इज इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ये सबसे टफ होता है बच्चों को जो लगता है ये स्टेप, एडिशनल एक्सपेंस इनकर्ड फॉर पर्पस ऑफ मिनिमाइजिंग द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्ट सेल। देखिए अब जब भी ऐसी कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है बिजनेस में, फायर करोगी तो थोड़ा टाइम लग जाता है हमें उस दोबारा उस पोजीशन में आने से, तो हमने क्या करना है, कुछ एडिशनल खर्चे करते हैं उनको हम बोलते थे इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्टेप एप्लीकेबल तभी होगा इफ़ वी आर गिवन एडिशनल एक्सपेंस। अगर आपको एडिशनल एक्सपेंस नहीं गिवन तो सीधा इस पॉइंट का आंसर जीरो आ जाना है, यहाँ पे थर्ड स्टेप में सिर्फ जीरो ऐड होगा। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एडिशनल खर्चे गिवन है तभी आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे। ठीक है जी, सो लोएस्ट ऑफ फॉलिंग इज कंसिडर्ड एज एडिशनल। पहला तो एक्चुअल एक्सपेंस हमें गिवन होते हैं वो यहाँ पे ऐसा सच लिख दिए। सेकंड, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल जनरेटर बाय द एडिशनल एक्सपेंस। अब ये क्या है, कई बार हम एडिशनल खर्चा करते हैं उससे कहता, एक तो आपने ये खर्चे लिख दिए जी, ठीक है, दूसरे में कहता है ये खर्चे करने से आपने जो एडिशनल सेल है, एडिशनल सेल उसके ऊपर जीपी लगाओ जी, मतलब जानना चाहता है, कहता है आप इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वो कहती है या तो आप ये लॉस और प्रॉफिट था ना इसमें एक्चुअल खर्चे ऐड कर लो, या फिर मैं दूसरी ऑप्शन देती हूँ आपको कि एडिशनल सेल या रिडक्शन इन टर्नओवर अवॉइडर, ये एक ही वर्ड है, तो इसके ऊपर जीपी, मतलब आपने खर्चा किया तो उससे कुछ सेल बढ़ी, उस सेल के ऊपर प्रॉफिट कितना हो रहा है वो लिखो जी। वो कहते हैं मैं लोएस्ट लेना है यहाँ से, या तो खर्चे या फिर वो खर्चे करने से जो बेनिफिट हुआ वो लो जी। ठीक, इफ एडिशनल सेल इज नॉट गिवन वी मे टेक एक्चुअल सेल एज एडिशनल सेल। चलिए थर्ड पॉइंट, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड एज वेल एज अनइंश्योर्ड, मतलब ऊपर नेट प्रॉफिट में इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, नीचे इंश्योर्ड दोनों और अनइंश्योर्ड दोनों को ऐड करके, ये प्रोपोर्शन बन गया इनटू एडिशनल एक्सपेंस। तो कहता मैं एडिशनल एक्सपेंस का इतना सा पोर्शन ही दूंगा क्योंकि आपने कौन सा सारे खर्चे कवर किए हैं आपके। ठीक है ना, अब जैसे फायर अकर होगी तो आपके कुछ तो खर्चे हुए हैं जो इंश्योरेंस में कवर हो गए, कुछ नहीं हो कवर हुए, तो कहते हैं मैंने भी उसका प्रोपोर्शन लेके ही आपको कुछ हिस्सा इसकी मतलब इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग अलाउ करनी है। ये स्टेप आ गया जी। और एक और पॉइंट है, ये सिर्फ तब लगता है अगर सेल में ट्रेंड गिवन हो। ये क्या है, जीपी ऑन एडजस्टेड जीपी ऑन एडजस्टेड प्रोसीडिंग 12 मंथ सेल अपॉन, नीचे ये सेम है, प्लस करना है अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज इनटू एडिशनल एक्सपेंस। ये हम प्रैक्टिकल करेंगे क्वेश्चन तब आपको समझ आ जाएगा जी। ठीक है, तो इनमें से जो लोएस्ट होगा वो आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐड करोगे जी।
नेक्स्ट स्टेप, अगर कोई सेविंग है स्टैंडिंग चार्जेस में, वो आप लेस कर देंगे, ये हमारा आ गया ग्रॉस क्लेम। ठीक, लास्ट स्टेप।